हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सभी टॉपिक को थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों कंप्लीट करा चुकी हूँ। लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपके पास टाइम नहीं है, चाहे आप बीपीएससी टीजीटी 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ईएमआरएस का, उसका भी आपका दिसंबर में डेट आ चुका है, एंड चाहे आप अदर स्टेट या अपने स्टेट के फिजिकल एजुकेशन का ऑल कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। जैसा कि ऑल कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको इस प्रक्रिया को देखते हुए लास्ट में 14 प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ, जिसमें से ये प्रैक्टिस सेट प्रथम है। इस प्रकार से 14 प्रैक्टिस सेट होगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और ऑल क्वेश्चंस आप देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। तो आप सबको पता है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे है, तो 5 महाद्वीपों से है। ये 5 छल्ले जो है ओलंपिक ध्वज जो है वो ओलंपिक प्रतीक चिन्ह है, दुधिया कलर का, सफेद दुधिया कलर का होता है, उस पे 5 छल्ले होते हैं, जैसा कि आप सबने देखा है। वो अंग्रेजी के W आकार के बनाते हैं, नीचे 3, ऊपर 3 और नीचे 2, ऐसे करके लगे होते हैं। तो इसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 रंग के, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, और ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। जैसे कि नीला रंग जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला रंग जो है एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये 5ों छल्ले जो है आपस में सद्भाव और एकता को प्रदर्शित करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, LNCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका स्थापना 1957 में किया गया था, एंड फिजिकल एजुकेशन का प्रथम राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, इरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। आप सबको पता है ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, तो आप सबको पता है टेनिस से रिलेटेड है। जैसे 4 ग्रैंड स्लैम प्रतिवर्ष खिलाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। एंड बीसी राय ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीसी राय ट्रॉफी तो फुटबॉल, बीसी गुप्ता ट्रॉफी तो बास्केटबॉल, ठीक है। यूनेक्स कप किससे रिलेटेड है, तो यूनेक्स कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि मूवमेंट संभव है। जो हमारा इन्वर्टल कॉलम है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि मूवमेंट संभव है, तो इसमें 4 प्रकार की गतिविधि मूवमेंट संभव है, यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड पार्श्व झुकाव, यानी कि बगल में झुका सकते हैं, लेटरल फ्लेक्शन एंड अक्षीय घुमाव, यानी अक्ष पर घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के मूवमेंट इसमें हो सकते हैं। और जो हमारे रीढ़ की हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं उसमें हड्डियां, 26 होती हैं, यानी बच्चों में 33 होती हैं, आबाद में, वयस्कों में 26 हो जाती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो आप सबको पता है 8 फिट होती है, तो 8 फीट होती है, तो यहाँ पे फीट में नहीं दिया है, मीटर में दिया है, तो क्या हो जाएगा, 8 × 24, यानी कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 24 यानी कि 2.44 मीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड फुटबॉल के मैदान की लंबाई जो है 100 से 130 गज होती है, चौड़ाई 50 से 100 गज होती है। एंड जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल का जो मैदान होता है, 110 × 75 मीटर यानी कि 120 × 80 गज, और न्यूनतम 100 ×
64 मीटर यानी कि 110 गुणे 70 गज होता है और फुटबॉल की जो बॉल की परिधि होती है 27 से 28 इंच होती है। फुटबॉल के बॉल का भार 396 से 453 ग्राम होता है एंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में 11 होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो आप सबको पता है लैरिंग्स यानी जो कंठ होता है वहीं से आवाज निकलता है, वो हमारे बोलने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके आरंभ होने के क्रम में आपको स्थापित करना है, तो कौन कौन से संस्था यहाँ पे नाम दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो सबसे पहले आपका शुरू हुआ DPA डिप्लोमा, मतलब फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा, उसके बाद शुरू हुआ आपका BPE, उसके बाद शुरू हुआ आपका BPED, उसके बाद लास्ट में BPES, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1984 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1984 को हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो एक क्वेश्चन हर बार आता ही है, जानते ही है, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के विकास करना यानी सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब से शुरू हुई? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा जो है मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ, मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आधिकारिक रूप से पूछता है तो 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी माना जाता है, वाल्दी एक शिकारी कुत्ता। एंड आपको जो है 2016 रियो ओलंपिक में जो था शुभंकर विनीशियस था, और 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक में क्या था, मिराई तोवा था, याद रखिएगा 2020 टोक्यो जापान आ सकता है, तो मिराई तोवा था, ठीक है। एंड जापानी भाषा में है मिराई तोवा, और इसको इंडिगो ब्लू बोला जाता है, और जापानी भाषा में इसका अर्थ है मिराई मतलब भविष्य, तोवा मतलब अनंत शाश्वत, मिराई मतलब भविष्य और तोवा मतलब अनंत शाश्वत, यानी कि प्रेरित, जापानी कहावत से प्रेरित व्यक्तित्व है कि अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। तो ये आपका है 2020 टोक्यो जापान का, और 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में, 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो यह चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सबसे आवश्यक है समाज की जागरूकता। क्या है? समाज की जागरूकता। जब समाज जागरूक होगा तभी उसका किसी भी चीज का विकास हो सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कि लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इसमें लैप स्कोरर रखता है। कौन रखता है? लैप स्कोरर, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो आप सबको पता है जब 6 खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे तभी कबड्डी खेल में खिलाड़ी को, रेडर को क्या हो सकता है, बोनस कितना पॉइंट का होता है, 2 पॉइंट का होता है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 14 है, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, खेल प्रबंधन क्या है? तो खेल प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, टू हेल विद हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो टू हेल विद हॉकी यह असलम शेर खा महान हॉकी खिलाड़ी के आत्मकथा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो हेपेटाइटिस बी है यह यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है,
ठीक है, यह डीएनए वायरस तथा विषाक्तता का मुख्य स्रोत जो मनुष्य ही होता है। तो ये जैसे कि जो हेपेटाइटिस को वायरस होता है, इसी जो यकृत जो होता है प्रभाव पड़ता है, जिससे यकृत जो है पित्तरस का निर्माण, जो पित्तरस को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसकी बाधित हो जाती है, ठीक है। और जो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स है बहुत ज़्यादा, उसका कब्रिस्तान होता है, जैसे कि स्प्लीन और यकृत यानी कि लीवर ही इसका आरबीसी जाकर के वहीं पर मरता है, तो कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा संख्या में मरता है। तो ज़्यादा संख्या में वही आरबीसी मरे हुए आरबीसी को ही तो वो बिलिरुबिन यानी पित्त रस में निर्माण करता है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बिलिरुबिन निर्माण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त से बिलिरुबिन को अलग करने की क्षमता जो है यकृत यानी लीवर की समाप्त हो जाती है, और पूरे रक्त में जो बिलिरुबिन और जो पित्त रस होता है फैल जाता है ज्यादा संख्या में, जिसे शरीर पीला दिखाई देने लगता है, इसी को पीलिया या हेपेटाइटिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है, यानी रेस्ट एंड एफर्ट सिद्धांत, प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आपको पता है, यह सहनशीलता को विकसित करने का एक है, उसका नाम है अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में, जिसकी खोज 1920 में रेंडरे व गर्चरल विकिना ने किया था। इससे स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता विकसित होती है। इसे टेरस प्रशिक्षण भी रेस्ट एंड कैफर्ड या आराम या प्रयास का प्रशिक्षण विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा ट्रेनिंग के समय यानी एक्टिविटी करते समय जो हार्ट रेट होता है 180 तक पहुंच जाता है, और ज्यों ही 180 तक पहुंचता है हम क्रिया को रोक देते हैं, और ज्यों ही हमारा जो हार्ट रेट होता है 120 से 130 या 40 के मध्य पहुंचता है हम तुरंत एक्टिविटी तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अनकम्प्लीट रिकवरी देते हैं, पूर्ण रिकवरी यहाँ पे नहीं देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि वृद्धावस्था में आंखों के सामान्य समस्या होती है, तो वृद्धावस्था में आंखों में कौन सी समस्या होती है, तो मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है। वृद्धावस्था में कौन सा आंखों में रोग हो जाता है, मोतियाबिंद, ठीक। ये अधिक उम्र अर्थात वृद्धावस्था में पाई जाने वाली आंखों की एक सामान्य समस्या है, आंखों के जो लेंस की पारदर्शिता होती है उम्र के साथ कम होने लगती है, जिससे प्रकाश आंखों में जाने में अवरुद्ध हो जाता है। मोतियाबिंद या दोनों आंखों में हो सकता है, एक या दोनों यानी 50 से अधिक आयु के लोगों में आंखों की क्षमता कम होने का मुख्य कारण है मोतियाबिंद। शुरुआत में इसमें धुंधलापन दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है और कुछ समय पर उपचार न होने पर अंधापन यानी ब्लाइंडनेस का होने का खतरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न से क्या अनुवांशिक अच्छा निधि के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड है तेजी तीव्रता है ये अनुवांशिक रूप से माना जाता है। एंड जैसे कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, हाइट है, स्पीड है, एजिलिटी है, बुद्धि है, स्वभाव है एंड दैहिक क्रियाशीलता है, ये अनुवांशिक माना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव यानी प्राणी से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इसे हम छूत की बीमारी यानी संक्रामक रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बालीबाल का जन्मदाता देश कौन है, तो बालीबाल का जन्मदाता देश अमेरिका है, आप सबको पता है 1895 ईस्वी में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA के शारीरिक निदेशक विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है आपका कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो वो होता है प्रदर्शन पद्धति, ठीक है। प्रदर्शन परफॉर्मेंस विधि जो होता है सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है शारीरिक शिक्षा में, यानी कि आप प्रदर्शन करके दिखाएंगे और बच्चे क्या करेंगे आपका ऑब्जर्व करेंगे, ये सबसे बेस्ट विधि माना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है कि बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार कितना होता है, दोस्तों 567 से 650 ग्राम होता है, तो अधिकतम कितना हुआ 650 ग्राम, याद रखिएगा।
एंड बास्केटबॉल खेल का आविष्कार भी अमेरिका में ही हुआ था 1891 ईस्वी में, जेम्स स्मिथ ने किया था। और भारत में इस खेल की शुरुआत 1900 के आसपास अमेरिकी धर्म प्रचारकों के द्वारा हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर कितने होते हैं? तो इसमें दो अंपायर होते हैं। खो खो मैच में कितने अंपायर होते हैं? दो अंपायर। यह भारत में इसका जन्म हुआ और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। यह 1914 में दक्कन जिमखाना जो पुणे के तत्वावधान में इसका विकास हुआ था, और 1955 में KKFI यानी कि भारतीय खो खो फेडरेशन की स्थापना हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एनीमिया यानी रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्न से कौन सा है? तो जो एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से, क्योंकि RBC जो रक्त में होता है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जब कमी होगी, रक्त की कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो इससे एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उबेर कप किस खेल से रिलेटेड है? तो दोस्तों उबेर कप मैंने आपको ट्रिक बताया था, उबेर कप महिला बैडमिंटन से, और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से। तो उबेर कप किस से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा महिला बैडमिंटन से कि पुरुष बैडमिंटन से, तो क्या राइट होगा? तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है, जो 1957 में से शुरुआत हुआ। और जो थॉमस कप है पुरुष बैडमिंटन से रिलेटेड है, उसका शुरुआत 1948 में हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी हो गया, वाटर पोलो हो गया, इसमें 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं। और वाटर पोलो जो होता है इसके मैदान की लंबाई कितनी होती है? 30x20 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो व्यायाम और आराम पर, आहार और पोषण पर, स्वच्छता और आदतें पर, इन सभी से सभी पर निर्भर करता है अच्छा स्वास्थ्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन, कितना ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? तो 5 ग्राम नमक से अधिक प्रतिदिन में नहीं लेना चाहिए WHO के अनुसार। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, बेरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होता है? तो दोस्तों ये बेरियाट्रिक सर्जरी जो होता है, यह स्थूलता यानी कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी को कम किया जाता है इसमें सर्जरी करके। तो मोटापा कम करने वाली सर्जरी का नाम होता है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस प्रतियोगिता की कल्पना की थी? तो जिसे बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, तो उस प्रतियोगिता का नाम है लीग या राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। ठीक है, इसको हम बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि बर्गर ने इसका खोज किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है कि अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है? तो दोस्तों वो खेल होता है तीरंदाजी और निशानेबाजी। ठीक है, तीरंदाजी एंड निशानेबाजी जो होता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है यानी जो हमारा हार्ट रेट होता है, कंपन होता है शरीर में, उसको वाइब्रेशन को कम कर देता है जिससे हमारा हाथ पर कांपना बंद कर देता है और हम निशाना सही जगह पर लगा पाते हैं। तो इसका प्रयोग खिलाड़ी डोपिंग के अंतर्गत करते हैं जो प्रतिबंधित है स्पेशल स्पोर्ट्स में यानी एकाग्रता वाले खेलों में, ये प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लैक कार्ड निम्न में से किस खेल का विनियामक विकल्प है? तो ब्लैक कार्ड का प्रयोग होता है ज्यादातर किसमें? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 2 और 5 में, यानी कि तलवारबाजी यानी फेंसिंग एंड आपका बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक झंडे का रंग होता है, तो आप सबको पता है सफेद धुरिया कलर का होता है ओलंपिक झंडे, जिसमें 5 छल्ले लगे होते हैं और उस पर आपके
पांच छल्लों के साथ, और क्या होता है, पांच छल्ले लगे होते हैं और उसपे शुभ जो प्रतीक चिन्ह हमारा मोटो होता है वो होता है, जिसमें सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस होता है, जिसमें आपको सीटीएस मतलब और तेज, फोर्टीएस मतलब और ऊंचा, सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस, सीटीएस मतलब और तेज, आरटीएस मीन्स होता है और ऊंचा, और फोर्टीएस मीन्स होता है और बलशाली, ये ओलंपिक मोटो है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, ओलंपिक का उद्देश्य तीन लैटिन शब्दों में निहित है, कौन कौन से, सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस, फोर्टीएस यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर, जिसमें से आरटीएस का अर्थ क्या होगा, तो सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस फास्टर हायर स्ट्रांगर, और तेज और ऊंचा और बलशाली, तो आरटीएस का अर्थ क्या होगा, और ऊंचा यानी अधिक ऊंचा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों जो धावन पथ होता है उसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर, यानी कि एक आदर्श ट्रैक 400 मीटर का ट्रैक माना जाता है, जिसमें 8 लेन होती हैं, 8 गलियारे होती हैं, और धावन पथ के प्रत्येक लाइन की जो चौड़ाई होती है 1.22 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नाडे बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या है, तो दोस्तों जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहे जाते हैं जान बर्नाडे बेसडो, इन्होंने जर्मनी में 1774 में डेसू नामक स्थान पर एक प्रकृतिवादी पाठशाला खोला था जिसका नाम था फिलेंथ्रोपियम, क्या नाम था, फिलेंथ्रोपियम, ठीक है। तो जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह जान बर्नार्ड बेसडो को कहा जाता है, और जिमनास्टिक का पितामह कहा जाता है फ्रेडरिक गर्समर्स को, इसको भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है, तो यह करती है पैंक्रियाज ग्रंथि, जिसमें से आपको अल्फा बीटा डेटा और एफ कोशिकाएं होती हैं, जो लैंगरहंस की दीपिकाओं से निकलती हैं, जिसमें से इंसुलिन निकलता है बीटा कोशिका से, जो हमारे शर्करा को नियंत्रित करती है, और जिसके कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में हुए थे, आप सबको पता है नई दिल्ली 1951 में हुआ था, फिर आपको दोबारा 1982 में नई दिल्ली में हुआ था, एंड 2022 का जो एशियन गेम था ग्वांगझो चीन में 2023 में हुआ कोरोना के कारण, एंड इसमें 107 पदक भारत ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना है, यह कथन किसका है, यह कथन है चार्ल्स ए बूचर का, किसका कथन है, चार्ल्स ए बूचर का। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 है कि आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड है, कौन है, इंग्लैंड है, यानी कि 1277 ईस्वी में लंका शायर में इस खेल का उल्लेख मिलता है, तो इतना याद रखिए इंग्लैंड इसका जन्मदाता है, ठीक है। एंड 1861 में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना हुआ था, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वायु में टॉक्सिन सब टॉक्सिन को फैलाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे एनक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना, हवा को शुद्ध करना, तो ये किस रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है संरोधन यानी कंटेनमेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह मांसपेशी की चोट है, तो मैं कई बार बताया हूं मांसपेशी और टेंडन की बात आए तो खिंचाव या स्ट्रेन होगा, जब लिगामेंट की बात आए खींचने की तो वहां पे मोच या स्प्रेन होगा, तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रेन यानी कि खिंचाव राइट हो जाएगा। जो टेंडन होता है वो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों के बीच में दो हड्डियों को जोड़ता है जोड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है,
तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं में जा करके वो माइटोकांड्रिया को दे देता है। फिर वही ऑक्सीजन जो है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो उस खाना को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ऑक्सीजन। तो माइटोकांड्रिया जो है ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है कि सामान्य पाठ योजना की तुलना में विशेष पाठ योजना होती है। तो सामान्य पाठ योजना की तुलना में विशेष पाठ योजना कैसी होती है? तो यह लघु एवं विषय केंद्रित होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है कि क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो खेलों में जांच और माप का क्या महत्व है? हम अनुसंधान और प्रयोग के लिए जांच और माप करते हैं, भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए जांच और माप करते हैं, खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए करते हैं, भागीदारों की जरूरतों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन था? 47 था, तो 48 कहाँ पे है देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है आपका 47 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि हृदय के दाहिनी निलय यानी वेंट्रिकल से रक्त बहता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से आता है दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त आता है, जब दाएं अलिंद प्रकुंचित होता है तो दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय जब प्रकुंचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वह पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। अब जब फेफड़ों से शुद्ध हो जाता है रक्त, तो वह शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी सिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है, और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त फिर जाता है एरोटिक वाल्व के रास्ते, कहाँ चला जाता है? महाधमनी में, एरोटा में चला जाता है, और एरोटा से जो शुद्ध रक्त होता है समस्त शरीर के एक एक अंग में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हृदय के दाहिने निलय से रक्त बहता है, तो कहाँ बहता है? तो दाहिने निलय में जान लीजिए हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, तो दाहिने निलय है तो अशुद्ध रक्त है, तो जाएगा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए किसके रास्ते? तो पल्मोनरी धमनी के रास्ते, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के कार्य क्षेत्र में शामिल है। तो स्वास्थ्य शिक्षा भी है, खेलकूद गतिविधियां भी है, कैंप डालना और नेतृत्व देना भी है, उपरोक्त सभी यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है। तो आप सबको पता है ओलंपिक खेल 16 दिन तक होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है कि खेल क्रीड़ाओं से व्यक्ति बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण करता है। यह कथन किसने कहा है? तो इस कथन को कहे हैं प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो ने, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है टाली नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। तो आप सबको पता है हमारे मुंह में तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। उससे क्या होता है? उसमें उस लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है, और लार में टैलिन नामक एंजाइम होता है। तो किसमें पाया जाता है? टैलिन लार में। जो मुख में लार होता है उसमें टैलिन नामक एंजाइम होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो टैलिन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो मुख में भोजन डालते ही पाचन स्टार्ट हो जाता है किसके द्वारा? लार के द्वारा, टैलिन एंजाइम के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से ही आरंभ होता है। और क्वेश्चन ये आता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो
यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे। तो आप सबको पता है प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पे? एथेंस के ओलंपिया नगर में होता था, ओलंपिया नामक स्थान पे। अब फिर दोबारा से कब शुरू हुआ? 1896 ईस्वी में शुरू किया, एथेंस में ही हुआ और पियर डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेपण हेतु भाले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो पुरुषों के लिए भाला जो है लंबाई होती है 260 से 270 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 220 से 230 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम पूछा है तो 270 सेंटीमीटर यानी कि 2.70 मीटर का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला कौन है। तो वो है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है कि बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है। तो वह लाल रंग की होती है। यह रिले रेस में होता है। किस में होता है? यह संबंधित है रिले रेस से, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है कि क्रिकेट पिच के सेंटर में बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम पूछा है 65 गज, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 75 गज, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए? 65 गज। क्वेश्चन नंबर 58 है कि त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफी नजदीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल गया होगा, आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, खरोच यानी एवरेजन होता है, ठीक है। त्वचा की चोट क्या होता है? खरोच यानी एवरेजन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे। तो तीसरा चौथा स्थान निकालने के लिए भी इसमें 15 ही मैच होंगे। जैसा कि इसमें मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1। तो कुल 15 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे, तो n-1 यानी 14 टीमें होंगी। और प्रथम राउंड में कितने 15 टीमें हैं तो प्रथम राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, तो उसका सूत्र होता है n-2, ठीक है। तो उतना आपका होगा। तो इसका एक दूसरा सिद्धांत है, अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविनोद से आप क्या समझते हैं। मनोविनोद का मतलब होता है वैयक्तिक आनंद, ठीक है, यानी कि स्वयं को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सिटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता है सिटिंग ब्लॉक शब्द होता है कबड्डी में। जो सिटिंग ब्लॉक होता है वह जो अंत इंड लाइन होता है उसे 2 मीटर दूरी पर होता है कोर्ट के, और या 1×8 मीटर का होता है। 6 खंडों में यानी 6 खाना होता है। इसमें आउट होने वाले खिलाड़ी बैठते हैं जो पुनः अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं इसमें बैठ के। क्वेश्चन नंबर 62 है कि महिला के लिए जेवलिन का भार कितना होता है। आपको पता है कि पुरुषों के लिए 800 ग्राम महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता क्या कहलाती है। तो यह फिटनेस कहलाती है। तो यहाँ हिंदी में दिया है तो यहाँ पे दक्षता राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षता, ठीक है। जहाँ पे फिटनेस आपका लिखा रहेगा वही राइट होगा, चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। यानी हेल्थ एंड फिटनेस जो है में नियमित व्यायाम जो है वो सुधार लाता है। और मतलब कि जो पर्यावरण की मांग है, जो दैनिक कार्य है आप सही बिना थकान के संपन्न कर रहे हैं, तो आपको फिटनेस कहलाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर
64 है कि यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ग्रूविंग द स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों जब भी आप कैंप लगाएंगे तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे क्या कि जगह प्राकृतिक हो और शहर से दूर हो। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है कि शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है, तो खेल विधि का जनक और लाने का श्रेय दिया जाता है कॉलवेल कुक को। ठीक है, और किंडर गार्डन पद्धति बोलेगा किसने लाया, तो वो है फ्रॉविन। क्वेश्चन नंबर 67 है कि माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों माइकल जॉनसन जो है एथलेटिक्स से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका 68। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रंग होता है, तो दोस्तों वॉलीबॉल में एंटीना का रंग लाल और सफेद होता है। जैसे कि 180 सेंटीमीटर आपका होता है बॉल एंटीना जो 1 मीटर नेट में होता है, और 80 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका होता है नेट से ऊपर, जो 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफेद रंग के में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है, तो दोस्तों बास्केटबॉल खेल जो है 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स में होते हैं, जिसमें 10 2 10 फिर 15 मिनट का मध्यांतर फिर 10 2 10, तो यह क्या पूछा है 10 मिनट के समाप्त होने के बाद विश्राम का समय कितना होता है, तो 2 मिनट होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 70 है कि 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होगी, तो 110 मीटर पूछा है प्रारंभिक रेखा से प्रथम हर्डल यानी बाधा की दूरी कितनी होगी, तो 13.73 मीटर होगी। कितना होगा, 13.73 मीटर होगी। यहाँ पे अगर पूछता 100 मीटर का तो हो जाता 13 मीटर, एंड 400 मीटर महिला पुरुष पूछता तो 35 मीटर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था, तो इसमें राइट आंसर है द हिंदू, कहीं कहीं पायनियर भी देता है, तो जिसको आयोग माने द हिंदू समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था भारत में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS पटियाला कब शुरू किया गया, तो दोस्तों यह 7 मई 1961 को शुरू किया गया तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस की 76वीं जयंती पर मनाया गया, और यह दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, याद रखिएगा ये पटियाला। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था, तो आप सबको पता है यूनानियों ने किया था 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, यूनानियों ने किया था 776 ईसा पूर्व में, और 776 से 394 ईस्वी तक, यानी 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक संपन्न हुआ, उसके बाद थियोडोसियस प्रथम ने इसे रोक लगवा दिया था, याद रखिएगा रोम के शासक ने। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पोल वाल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, पोल वाल्ट यानी कि जो बांस कूद होता है उसमें जो क्रॉस बार होती है उसकी लंबाई जो होती है 4.50 मीटर होती है, 4.50 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्न में से किस पर ज्यादा आधारित होते हैं, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत है वो ज्यादा आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कार्यनीति शीघ्रगामी विश्राम यानी फास्ट ब्रेक किस खेल से रिलेटेड है,
तो आप शब्द सुन के समझ गए होंगे ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इसे बहुत स्पीड से गेम खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सारी शिक्षा एक प्रमुख लक्ष्य, सारी शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य सारी सक्षमता है, सारी सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सारी कार्यकलाप और व्यायाम करना, सारी सक्षमता और सारी कार्यकलाप का स्व आकलन और स्व नियोजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्ण नहीं दिखा पाएंगे तो यहाँ पे जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो और तीसरा क्या है आपका, शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम करना और शारीरिक कार्यकलाप पे जीवन पर्यंत संलग्नता। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शारीरिक सक्षमता में चरण दर चरण उपागम में सबसे पहले करेंगे सक्षमता और सारी कार्यकलाप का स्व आकलन स्व नियोजन करेंगे, पहले चयन करेंगे स्व आकलन करेंगे, उसके बाद सारी कार्यकलाप का अधिगम करेंगे मतलब उसका अध्ययन करेंगे, तब तो हम सारी कार्यकलाप और व्यायाम करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में फिर उसी पर हम जीवन प्रयत्न कार्य करेंगे, सारी कार्यकलाप में जीवन प्रयत्न उसमें संलग्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है प्रतियोगिता के प्रकार है, तो चार प्रकार के होते हैं आपको पता है, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन, चैलेंज टूर्नामेंट, यहाँ पे सभी के सभी आपके हैं प्रतियोगिता के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 79 है यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इस परिभाषा को किसने दिया है, तो क्रूक्स और स्टेन ने इस परिभाषा को दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था, तो वह था 1956 सीत ओलंपिक, 1956 सीत ओलंपिक। ठीक है, तो 1956 सीत ओलंपिक जो है कहां पे हुआ था, इटली में संपन्न हुआ था, जबकि 1956 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 81 है कि बी एस चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों बी एस चौहान जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, यह डेकाथलान कंबाइन इवेंट से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 82 है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से रिलेटेड है, यह सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता से रिलेटेड ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो इसको प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था विंटर बॉटम ने। एंड क्वेश्चन नंबर 84 है कि रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, तो रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी भी किसमें दी जाती है, तो ये भी दिया जाता है क्रिकेट में, याद रखिएगा रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी यह अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है वृद्धि और विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, तो इसे किशोरावस्था एडोलेसेंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कहां पे है, यहां पे है, तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है, तो आप सबको पता है रिले रेस में होता है। ठीक है, बैटन का प्रयोग किसमें होता है, रिले रेस में होता है, जिसमें से रिले जो है 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 50 ग्राम भारी होता है और 12 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 87 है कि वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं, तो दोस्तों जैसे कि वॉलीबॉल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 6 आपके ग्राउंड में खेलती हैं और 6 स्थानापन्न होते हैं, तो कितने हो गए स्थानापन्न, 6 खिलाड़ी स्थानापन्न हुए। और वॉलीबॉल में जो है 7 अधिकारी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने अधिकारी होते हैं, तो 7 अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है,
आप सबको पता है अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो अभिनव बिंद्रा रिलेटेड है शूटिंग से, निशानेबाजी से, जो 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन एस्कार्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है दोस्तों, तो ये जो चारों आसन दिया हुआ है ये चारों में विटामिन सी पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया स्रोत है आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर नींबू में, उसके बाद अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, अमरूद में भी विटामिन सी बढ़िया पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से सस्ता खेल कौन है, तो दोस्तों कबड्डी जो है सबसे सस्ता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई आपको ज्यादा बजट नहीं लगता है, आप ग्राउंड बनाइए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 है कि वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभंकर क्या था, तो दोस्तों 2016 रियो ओलंपिक का शुभंकर था विनीसियस, याद रखिएगा क्या था विनीसियस, और 2020 टोक्यो जापान का क्या था मिराइतोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि कितनी रीजनल समितियों द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCTE कार्य करती है, तो चार रीजनल समितियों द्वारा। ठीक है, और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अध्यापक परिषद NCTE की जो स्थापना है 393 के अधिनियम के तहत 17 अगस्त 1995 में इसका गठन किया गया, जो इसका काम क्या है, इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना तथा निरीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोना पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो आप सबको पता है लोना जो है कबड्डी प्रदान किया जाता है, जब एक टीम के दूसरे टीम के सभी खिलाड़ी को परास्त कर दिया जाता है, पराजित हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो लोना दिया जाता है, तो विपरीत टीम को क्या बोला जाता है, दिया जाता है लोना। क्वेश्चन नंबर 94 है, खेलों में हम कैसे घायल यानी इंजर्ड हो जाते हैं, तो इन सभी से होते हैं, बट यहाँ पे सबसे उपयुक्त आसन होगा आसन नंबर सी, खेलों के नियमों का पालन न करने से प्रायः जो समानता हम क्या है इंजर्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम अनुरूपता कहा जाता है, यानी संयोजन एक एडाप्टेशन होता है। ठीक है, अनुकूलता होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है कि पहली ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी, तो यह पहली खेली गई थी 2007 में। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 96। 97 कहाँ पे है, 97 यहाँ पे है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से कौन सा प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्यता पर कार्य करती है, तो आप सही आंसर दे दिए होंगे अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 98 है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो किसी चीज को देख करके आप कल्पना करती है, उसके मॉडल को देख करती है, यहाँ पे मॉडल आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों यह लॉन्ग जंप यानी एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप यानी एथलेटिक्स से रिलेटेड है। यह 30 अगस्त 2003 को पेरिस में 6.70 मीटर लंबी छलांग लगाकर 9वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है, तो जिम लेकर है। कौन है, जिम लेकर है। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो आप सबको पता है ये राष्ट्रीय खेल कौन है,
हॉकी है। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, किस खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार हम देंगे? तो भाप स्नान यानी कि स्टीम बाथ हम देंगे। कौन सा स्नान देंगे? स्टीम बाथ। क्वेश्चन नंबर 103 है कि धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधि का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों धमनी और सिरा, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के आकर के हृदय के दाएं भाग दाएं अलिंद में छोड़ता है, जबकि जो हमारा धमनी होता है वो उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त का रंग हमेशा लाल होता है और अशुद्ध रक्त का नीला होता है। तो धमनी के अंदर बहने वाला रुधिर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, कैसा होता है? लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? दोस्तों तो दो निर्णायक होते हैं। कितने होते हैं? दो निर्णायक होते हैं, यानी हॉकी मैच में दो अंपायर होते हैं और दो टाइम कीपर होते हैं। प्रत्येक अंपायर अपने पाले में खेल का क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग कौन नहीं है? तो दोस्तों चेचक भी है, खसरा भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, एड्स भी है, रेबीज भी है, पोलियो भी है। ये तीनों के तीनों में क्या है? विषाणु जनित रोग है। लेकिन क्षय रोग यानी कि और अतिसार, ये दोनों के दोनों क्या है? आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संक्रमित रोग है, इसलिए कौन नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट होगा। ठीक है, क्षय रोग यानी तपेदिक जिसे टीबी बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों तलवारबाजी भी शुरू से ही है, रथ दौड़ भी है, मुक्केबाजी भी है, तो फायरिंग इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किसका कितना दोस्तों? तो 680 mm, 680 mm यानी कि 68 cm से अधिक नहीं होना चाहिए बैडमिंटन रैकेट की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्न में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के लिए निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? एक क्वेश्चन तीन बार इस सेशन में हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, यानी मध्यांतर प्रशिक्षण। कार्य और पूर्व स्थिति बहाल यानी जो ही आपका हार्ट अटैक 180 पहुंच जाएगा, आप क्रिया को रोक देंगे, और जो ही अनकम्प्लीट रिकवरी के अनुसार 120-140 पर हार्ट रेट पहुंचेगा, तुरंत क्रिया स्टार्ट कर देंगे, यानी पूर्ण आपका पूर्ण बहाल नहीं करेंगे, उसके पहले ही क्रिया को निर्धारित कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 109 कहाँ पे है? यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि डेकाथलान में होते हैं। तो दोस्तों डेकाथलान जो होता है वह पुरुषों के लिए होता है, कंबाइंड इवेंट है। ए इसमें कुल 10 इवेंट्स होते हैं, दो दिन में संपन्न होता है। प्रथम दिन में 5 इवेंट, दूसरे दिन 5 इवेंट, और कुल इसमें 10 इवेंट होते हैं जिसमें से 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट। इसमें से पहला दिन होता है आपका 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़। दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर थ्रो। दोस्तों कंबाइंड इवेंट के बारे में आपको देखना है, पूरी जानकारी एकदम ट्रिक के साथ पढ़ना है आपको। ये कंबाइंड इवेंट के अंतर्गत डेकाथलान, हेप्टाथलान, पेंटाथलान, ट्राइथलान आता है। इन चारों को याद करने में डिफिकल्ट होता होगा, लेकिन जब आप मेरे वीडियो एथलेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, उसके बाद आपको कभी लाइफ में इस चारों नहीं भूलेंगे, हमेशा आपकी जुबान पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि आधुनिक पेंटाथलान खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों आधुनिक पेंटाथलान में सम्मिलित किया गया है तैराकी को। आधुनिक पेंटाथलान में 5 इवेंट्स होते हैं, पेंटा मतलब 5, थलान मतलब पत्तियां यानी 5 पत्तियां। इसमें 5 इवेंट्स होते हैं, तलवारबाजी, तैराकी, हॉर्स रेस,
निशानेबाजी, क्रॉस कंट्री दौड़। क्वेश्चन नंबर 111 है, एसीई का संबंध है। तो दोस्तों एसीई का संबंध लॉन टेनिस से है, किससे है, लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 112 है, खेलकूद की चोटों के पुनर्वास में यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में निम्न से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो समरोधी व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज का प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्वास में दोस्तों तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, करेक्टिव एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड मनोवैज्ञानिक उसको सहूलियत दिया जाता है, उसकी मनोदशा को उत्साहित किया जाता है। तो इसमें करेक्टिव एक्सरसाइज आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 फिर सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। खेलों में पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है, क्या करने से होता है पुनर्वास, करेक्टिव एक्सरसाइज। पुनर्वास का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि चोट लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाना, पहले की स्थिति को प्राप्त करना है पुनर्वास, यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल के दोस्तों, तो फुटबॉल के, आप सबको पता है महान खिलाड़ी थे। और फुटबॉल के अंतर्गत अन्य खिलाड़ी जैसे कि पहले ब्राजील के थे, रोनाल्डो भी ब्राजील के थे, मैराडोना और लियोनेल मेसी भी मेसी अर्जेंटीना के थे, और जो बेकहम का डेविड बेकहम जो है इंग्लैंड के हैं, जो भी महान खिलाड़ी है, और जिदान जो है वो फ्रांस के हैं। तो 114 क्वेश्चन हुआ, 115 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी उष्मांक कैलोरी प्राप्त होती है। तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है ऊर्जा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 यहाँ पर राइट होगा। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एंड 1 ग्राम वसा यानी फैट से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 116 है कि शिफ्टिंग का संबंध किससे है। तो आप सबको पता है ये बास्केटबॉल से है, पहले शिफ्ट किया जाता है उसके बाद बास्केट में डाला जाता है, तो शिफ्टिंग का संबंध किससे है, तो बास्केटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वासियोर्कर रोग किस तत्व की कमी से होता है। दोस्तों क्वासियोर्कर एंड मरास्मस ये दोनों रोग होता है प्रोटीन की कमी से। आपको पता है कि ये प्रोटीन जो होता है क्या करता है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं एंड पेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाता है तो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर एंड मरास्मस रोग हो जाता है, जैसे कि विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और जिससे कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रचुर स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मांसपेशियों को सुदृढ़ और सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यायाम भी महत्वपूर्ण कारक है, भोजन भी है, विश्राम भी है, तीनों सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों कभी भी तुरंत उपचार की बात करें तो आपके जो है चोटों को निपटाने के लिए पुनर्वास के लिए 4 विधियां होती हैं। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार में, तो आपको पता ही है वो 4 विधियां कौन सी होती हैं, RICE। आर से मतलब रेस्ट, तुरंत आराम देंगे, फिर आप क्या करेंगे तुरंत, आई मतलब बर्फ, बर्फ की चिकित्सा करेंगे, फिर कंप्रेशन यानी कि दबाव करेंगे, इस इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाएंगे। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या होगा, आइस यानी कि बर्फ की चिकित्सा, जिसे क्रायोथेरेपी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्रायोथेरेपी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 120 है कि फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे राइट होगा, अनजाने में बॉल हाथ से छूटने पर प्रत्यक्ष किक नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर प्रत्यक्ष किक दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली
क्रिया कौन सी गति होती है? तो दोस्तों वह कोणीय गति होती है। जब हम चलते हैं तो हाथ को ऊपर नीचे और पैर को भी करते हैं तो उसमें कोण बनता है, ठीक है, तो कोणीय गति होती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है। तो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना, तो एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। तो प्रकाश पादुकोण जो है ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं और 1980 में इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों, स्टीएफसी या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, अमाश है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो हमारा एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये तीन एंजाइम मुख्य रूप से जो है वो पैंक्रियाज में स्रावित होती हैं, पैंक्रियाज से जो आके छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में आकर के भोजन को पचाती है। तो जो हमारा एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जो लाइपेज होता है वह छोटी आंत के प्रथम भाग में आपका पित्त नली जुड़ा होता है, जो पित्त रस भी यहाँ पे आके मिलता है, तो पित्त रस की सहायता से लाइपेज जो है वसा को पचाता है और ट्रिप्सिन जो है अमीनो एसिड में प्रोटीन को बदलता है, यानी प्रोटीन को पचाता है। और जो हमारा जो अमाशय होता है इसमें पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, उसमें भी लाइपेज पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका अमाशय ही ज्यादा राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था HC बक ने। इनको भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है और इन्होंने भारत में YMCA की स्थापना 1920 मद्रास में किया। दोस्तों YMCA जो है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की सबसे पहले स्थापना हुआ था 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा लंदन में। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए, और फिर YMCA आया 1920 में हेनरी कोबक ने यहाँ पे मद्रास चेन्नई में स्थापित किया। तो दोस्तों आज के सेशन में ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 125 क्वेश्चंस का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने सही आंसर भी दिया होगा, कितना स्कोर बना आपका ये भी बताइए। एंड दोस्तों नेक्स्ट आपका वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसी प्रकार 14 सेट हैं, आप डेली बेसिस पे आपको इसको अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगा के जाइए पेपर देने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।